सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इतने टाइप्स ऑफ यहाँ पे मास्क है। सो मेरी हो चुकी है शॉपिंग डन, तो ये हो चुकी है शॉपिंग डन, ये है M31। मेरे को बताओ ये कमेंट क्या लगता है, ये वाला फोन मैंने किसके लिए लिया है। सब्सक्राइब टू IPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। तो जो आज की वीडियो है इट्स अबाउट शॉपिंग, एंड अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ करने के लिए शॉपिंग दुबई मॉल के अंदर। देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ यहाँ पे फ्लाइट ऑक्सीजन, जो कि मैंने करा था शॉपिंग 3 दिन पहले, एंड आई बॉट दिस जॉर्डन शूज एंड आई ऑल्सो बॉट सम जॉर्डन क्लोथ्स। बट फिलहाल तो मेरे को चाहिए अपने लिए और क्लोथ्स, जो कि आजकल मैं अपने फोटोशूट रेगुलर बेसिस पे, तो उसके लिए मेरे को सामान और चाहिए, एंड मेरे को अपने लिए सामान लेना होता मेरे पीसी के लिए भी। तो चलते हैं जल्दी से दुबई मॉल, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को एंजॉय करो एंड कंटिन्यू करते हैं आज इस व्लॉग को। लेट्स गो। Well, so hello guys, IPM Vlogs back here. तो आज है मेरा दुबई में लास्ट डे, एंड भाई मैं अभी आया हूँ दुबई मॉल में करने के लिए शॉपिंग अपनी। तो मेरे को फिर अभी जाना है होटल, मेरे को सोच मेरे को वहाँ से कुछ सामान खरीदना है, क्योंकि मेरे होटल में कुछ सामान रह गया था, मैं होटल तक इसको लेकूँगा लास्ट डे। तो वहाँ से कहूँ सेकेंड फ्लोर पे, जो कि है पूरा IT हब, एंड चलता हूँ मुझे मेरे स्टोर। देखो मेरे पीछे हो रहा, तो चलो। तो ये है वर्ल्ड का बिगेस्ट नाइकी स्टोर, बट अभी मेरे को शूज़ नहीं लेना, मेरे को अभी कुछ लेना है गैजेट। तो ये आ चुका है स्टोर, सो उसको करता हूँ एंटर। तो अभी आ गया हूँ एरिया में जहाँ पे इनके सारे पड़े हैं फ्लाइट सिमुलेशन स्टिक्स और साथ में स्टीयरिंग व्हील्स। तो ऐसा आपको पता है मैंने लिए फ्लाइट सिस्टम फॉर फ्लाइंग प्लेन इन फ्लाइट सिमुलेटर, जो कि अभी इनकी नई गेम आई है। तो मैं वेरी ह्यूज फैन हूँ फ्लाइट सिमुलेटर। तो यहाँ पे है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक फील देगा मेरे को अगर इसको मैं लेता हूँ। एंड साथ में हॉटेस है, तो तीन तरह के को वहाँ पे हॉटेस मिल रहे हैं, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि ये ली जाए ना यहाँ ली जाए, और ये भी पता नहीं भाई। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कीबोर्ड भी ले लिया जाए, क्योंकि मैंने माउस तो लिया है ये सेम G502। तो कीबोर्ड के ऑप्शन में बस एक लॉजिटेक का ये है, एक ये है जो कि 910 है और एक 815 है। तो इसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि ये वायरलेस है और ये वायर्ड है, मुझे वायर्ड ही चाहिए, मुझे वायरलेस नहीं चाहिए। तो इसकी प्राइस है 819 dirhams, लगभग 16,000 रुपये। तो आई एम थिंकिंग टू बाई दिस, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी गेमिंग चीज़ें हैं, तो उसकी मैंने सब वीडियो बनाई थी, अ वेरी ह्यूज गेमिंग स्टोर इन दुबई मॉल। सो गाइस जस्ट लुक व्हाट आई फाउंड। तो ये है माउस बंजी, एंड आई डिडंट न्यू कि कोई ऐसी चीज़ भी आती है माउस की वायर करने को अरेंज। तो ये कितने की अभी है? 209। ओके 209। ओके आपका नाम क्या भाई? हसन। एंड भाई हैं अपने सब्सक्राइबर, आपको चैनल किस नाम से है? टेक न्यूज गेमिंग। टेक न्यूज गेमिंग सब्सक्राइब करो भाई को यार। एंड क्या वीडियो बनाते हो उस पे आप? उस पे गेमिंग की वीडियोस है, अनबॉक्सिंग वीडियोस है, फ्री फायर गेम प्ले है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह है। ओके तो सारे गेम प्लेज है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हां सब्सक्राइब करो भाई को। एंड इन्होंने को भी एक बढ़िया सा कीबोर्ड सजेस्ट करा है, तो मैंने वो परचेस करा है। एंड साथ में आई एम थिंकिंग टू बाय दिस माउस पेंजी एज वेल, जस्ट लुक एट दीज RGB लाइट्स, एंड इसमें USB पोर्ट्स भी हैं, एक यहां पे और एक यहाँ पे। तो ये है अमेजिंग, है ना? ओके तो फुल RGB है मतलब, एंड यू कैन ऑल्सो हेड दिस विद द सॉफ्टवेयर एज वेल। ओके सो अभी मैंने खरीदनी है यहाँ से तीन चीज़ें, एंड आपको मैं भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या प्राइस डिफरेंस है मोबाइल फोन्स का। लाइक जो बर्दुबई है वो कितना सस्ता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल फोन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर देखा जाए तो बर्दुबई से। तो गाइस देखो यहाँ पे है नोट 20 अल्ट्रा, इसका जो बेस मॉडल है यहाँ पे है 4499 dirhams, और जी सेम था 70,000 रुपये का बर्दुबई में, यानी यहाँ से 20,000 रुपये का फ़र्क है। जेड फ्लिप 3299, इसका मुझे प्राइस कन्फर्म नहीं है बर्दुबई में कितने का था। यहाँ पे S20 लगा हुआ है, इसका प्राइस है 2599, इतने का वहाँ पे S20 प्लस है, जितने का यहाँ पे S20 है। और यहाँ पे S20 Ultra जो कि वहाँ पे दे रहे हैं लगभग 60,000 रुपये का, और यहाँ पे देखो दे रहे हैं 80,000 रुपये का। तो प्राइस का आपने डिफरेंस देखा अभी, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड वाला एरिया और हार्ड डिस्क एंड ऑल। सो अब बात करते हैं आईफोन की, तो इसका जो बेस मॉडल है वो है 64 GB 269 dirhams का, 54,000 ऐसी का प्राइस ये है, और वहाँ था लगभग 46,000 rupees का। और यहाँ पे है एप्पल वॉच सीरीज 6 एंड SE, तो आई माइट बाई द SE जो 6 है मैंने वो तो ले लिया है, वो किसके लिए आपको मैं बताऊँगा इंडिया पहुँच करके वापस। यहाँ पे सारे स्ट्रैप्स हैं, और यहाँ पे AirPods Pro का प्राइस एक बार देख लो 1000 dirhams, यानी कि ये हुआ लगभग 20,000 रुपये, और नॉर्मल AirPods का प्राइस देख लो 679 dirhams।
तो आई माइट बाई द AirPods Pro एंड SE also. सो यू गाइस जस्ट वहाँ पे कितना डिफरेंस है प्राइस का बर्दुबई से और यहाँ पे मोबाइल्स के अंदर स्पेशली जो ये चीज़ें यार ये मिलती ही बर्दुबई के अंदर. तो मैंने सोचा कि यार ये तो ऐसे खरीद लेता हूँ, थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा बट स्टिल इंडिया से तो सस्ता गया ना यार यहाँ पे. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इतने टाइप्स ऑफ यहाँ पे मास्क हैं, मतलब यहाँ पे मास्क की भी इतनी वैरायटी है. सो ये पूरा एक IT स्टोर है. हीरो 9 ब्लैक, इसकी जो कॉस्ट है वो है 1899 दिरहम्स, यानी 1900 दिरहम, 38,000 का हीरो 9 ब्लैक. यहाँ पे एप्पल गिफ्ट कार्ड्स iTunes के. सो ये एरिया जहाँ पे पूरा म्यूज़िक का सामान है, गिटार, पियानो एंड यहाँ पे डिजिटल ड्रम्स. तो यहाँ पे कीबोर्ड्स है बेसिक वाले, ये देखो पियानो. और यहाँ पे गिटार्स. तो मेरी हो गई है शॉपिंग डन. आपको दिखाऊंगा क्या कि मैंने इसके अंदर लिया है. एक तो मैंने कीबोर्ड लिया है और अभी मैं जाऊंगा एक और स्टोर पे, क्योंकि आई एम थिंकिंग टू बाय GoPro Hero 9, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ना GoPro Hero 9 का आई थिंक इट्स रीजनेबल, बट जो मॉल में मिल रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है. और जो बर्दो भी वहाँ पर अभी तक आया नहीं है GoPro Hero 9, तो वहाँ पर अभी तक Hero 8 ही मिल रहा है. एंड ऑल्सो जो मेरा Hero 8 में आ गई थोड़ी सी लाइन, उसकी जो डिस्प्ले होगी खराब, तो उसको मेरे को मिलना पड़ेगा सिंगापुर फॉर द रिप्लेसमेंट. तो चेक करता हूँ यहाँ पे क्या मेरे को मिलता है बेस्ट रेट फॉर द GoPro Hero 9, अगर अच्छा लगता है तो ले लूँगा शायद. तो मैं निकल रहा हूँ सेकंड स्टोर से बाहर, ये चला गया सेकंड स्टोर एंड यहाँ पे हीरो 9 अवेलेबल नहीं है. सो जो GoPro Hero 9 ब्लैक है वो सिर्फ वजी मेगा स्टोर के अंदर अवेलेबल है, उसके अलावा वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. वहाँ पे है 38,000 रुपीज़ का, वॉट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है. तो आई विल सी कि जब इंडिया में होगा लॉन्च तो वहाँ से ले लूँ. बाकी मेरे को अपने लिए लेनी है फ्लिप फ्लॉप्स का, एमसी या तो मैं लूँगा Givenchy या मैं लूँगा Gucci. सो लेट्स सी कौन सी लेता हूँ. तो मेरे सामने है Louis Vuitton. सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी यहाँ पे मिलती है नहीं मिलती फ्लिप फ्लॉप्स. तो ये है Louis Vuitton और यहाँ पे भी देख रहा हूँ अपने फ्लिप फ्लॉप्स. तो जस्ट चेक दीज आउट, मेड इन इटली. सो आई सॉ द फ्लिप फ्लॉप्स इनसाइड द Louis Vuitton एंड यहाँ पे जिसको प्राइस है वो है लगभग 1200 दिरहम, विच कम्स टू 24,000 रुपीज. सो जो डिज़ाइन था वो तो ठीक, और आई थिंक जो Givenchy है वो ज़्यादा होगा बेटर या Gucci. तो चलो चलते हैं एक बार वहाँ भी देखता हूँ. तो बोलते बोलते जब मास्क ना आ जाता है नीचे तो उसको करना पड़ता है बार बार ऊपर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक वाइल वेयरिंग मास्क, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार. तो यहाँ पे है ऑफ वाइट और यहाँ पे Givenchy. तो चलता हूँ Givenchy के अंदर. तो ये है पूरा एरिया Givenchy का जहाँ पे सारे शूज़ हैं एंड यहाँ पे इनकी टी शर्ट्स हैं. तो दिस इज़ माई फेवरेट टी शर्ट ऑफ Givenchy. तो इस पर सिर्फ Givenchy Paris लिखा हुआ है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 1500 दिरहम फॉर वन टी शर्ट, विच कम्स टू अराउंड 30,000 रुपीज़ फॉर वन टी शर्ट. एंड यहाँ पे इनके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मेरे को लग रही है फर्स्टली ये बहुत सही और ये वाइट भी. बाकी मेरे को बताओ करिए कमेंट कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्लैक या वाइट. एंड यहाँ पे बताइए वाले शूज़ देखो, येलो ऑरेंज के अंदर सही लग रहे हैं. और यहाँ पे Givenchy की ब्रांडिंग. तो अभी हूँ मैं इनके ड्राई रूम में एंड अभी मैंने पहनी है Givenchy Paris की टी शर्ट. मेरे को बताओ मेरे कमेंट ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मतलब यार ये तो क्या अलग ही है, इसकी क्वालिटी ना कुछ अलग लग रही है, बहुत सी इसकी क्वालिटी है. तो मैं बताओ मेरे कमेंट व्हाट डू यू थिंक, बढ़िया है ना. सो मेरी हो चुकी है शॉपिंग डन एंड यहाँ पे हैं साथ में मेरे जूम कॉल पे जेनिल और रोहन. कैसे हो भाई? बस बढ़िया. बढ़िया भाई. भाई तुमको कुछ आइडिया मैंने भी क्या परचेस करा है Givenchy से? एक मना कर रहा है एक हाँ कर रहा है, अजीब हो गए तुम लोग. तो अभी आ चुका हूँ मैं ऑफ वाइट के अंदर और यहाँ पे भी देख रहा हूँ अपने लिए बेल्ट, क्योंकि आजकल मैं पहन रहा हूँ जीन्स तो मेरे को उसके लिए चाहिए एक बेल्ट. तो यहाँ पे इनकी बेल्ट्स हैं और यहाँ पे नेकलेस ऑफ वाइट के. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दीज जीन्स एंड शॉर्ट्स. पर पड़े हैं शूज़, उनके जो शूज़ की कलेक्शन है ना वो है बहुत सही. दिस इज़ वेरी लिट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड दीज. ये देखो है ना बढ़िया. तो ये हैं ऑफ वाइट के सारे शूज़. तो ये सारे इनके हैं डिज़ाइंस बेल्ट के. तो ये ग्रीन में है, देन यहाँ पे रेड और यहाँ पे रिस्ट बैंड्स भी हैं. तो शॉपिंग हो गई मेरी डन एंड मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ अपना टैक्स फ्री प्लैनेट का स्टिकर. तो मेक श्योर यू गाइज ऑल्सो क्लेम दिस स्टिकर बिकॉज ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इससे आपको मिल जाएगा पूरा टैक्स आपका रिफंड एयरपोर्ट पर. तो अभी आ चुका हूँ मैं आयल बाई के ना, जो कि है मेरी फेवरेट कॉफ़ी. एंड यहाँ से अभी मैं ले रहा हूँ सबसे बड़े वाला ग्लास कॉफ़ी का, क्योंकि वैसे ही गिलास डे है. तो शॉपिंग देख लो यार, मतलब पूरी हो चुकी है डन. सो यहाँ चुकी है मेरी कॉफ़ी एंड इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है 50 दिरहम. तो इसमें मैंने लगाई है यहाँ पे दो कॉफ़ी,
लोगों ने डाली है एक में, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉफी जो कि होती है बहुत ज़्यादा टेस्ट। तो जैसा मेरा मास्क सुनी हुआ वाला वैसे ही काम कर रहा है, वैसे आप लोग मेरे को बोलते हो वही आ चुका है वाटरफॉल, दुबई वाटरफॉल। एंड मेरे को मैंने थोड़ा सा 2 घंटे के लिए मुझे याद है, और मैंने दो घंटे में क्या क्या हो गया ये देखो। अभी मैं अपने लिए लूँ सनग्लासेस और साथ में अपने लिए लूँ एक स्नैपबैक, बट स्टिल सोच रहा हूँ कि रहने दूँ, क्योंकि चश्मे में अभी यूज़ करूँ प्राडा के वो सही चल रहे हैं। एंड बस कैप सोच रहा हूँ ले लूँ एक, है ना कैप लाजिम। ये मास्क ना इतना ढीला हो गया, मतलब बार बार आता है नीचे, और इतना मुश्किल है साथ बोलना, और भाई वाटरफॉल देखो ये बढ़िया है ना। तो अगर शॉपिंग हो ही रही है तो मैंने सोचा एक बार ज़रा पता करते हैं सुप्रीम का है दुबई मॉल में, और आ गया हूँ सुप्रीम के स्टोर में। लाइक इट्स नॉट अ फुली सुप्रीम स्टोर, ये है बाउ हाउस। तो यहाँ पे सुप्रीम के बहुत सारे कपड़े हैं, लाइक यहाँ पे टी शर्ट्स हैं, हुडीज हैं, सुप्रीम के बैग्स हैं, देन यहाँ पे जॉर्डन और सुप्रीम के कोलैबोरेशन शूज़ भी हैं, सनग्लासेस हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ के जो बैग्स हैं ना वो बहुत बढ़िया पर दिखाता है। सो दिस इज़ द सुप्रीम कलेक्शन ओवर हियर, एंड जस्ट लुक एट दोज शूज, सुप्रीम हुडीज बहुत सी लग रही है। एंड ये स्प्रे ग्राउंड के बैग्स हैं जो कि लग रहे हैं बहुत ज़्यादा आई कैची हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे स्प्रे ग्राउंड के एक बार बैग्स देखो, तो इनकी जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग है 200 दिरहम से और एंडिंग है 350 पे, यानी कि स्टार्ट 5 से 7 हज़ार के बीच में सारे बैग्स हैं, मतलब डिसेंट है, बहुत सही हैं लुक्स में तो। एंड द शॉपिंग फॉर सुप्रीम इज़ ऑल्सो डन। मेरे को उमर भैया ने से पूछा ही था सुप्रीम जाना है, मैंने बोला चलते हैं, और आ गए और ले भी लिया। चलो जी डन। तो अभी आ चुका हूँ मैं बाहर बैल्कनी में, एंड अभी हो रहा है टाइम 10:58, एंड उनको यहाँ पे होता है 11 बजे लास्ट शो बुर्ज खलीफा का, जो कि होता है फाउंटेन शो। तो अब आप देखो पहले बुर्ज खलीफा का फाउंटेन शो, एंड जस्ट लुक एट दीज, शॉपिंग पूरी हो चुकी है डन, एंड अब लग रही है भूख, तो कुछ ना कुछ खाते हैं, बट पहले नहीं है बुर्ज खलीफा का शो, तो हो गया शुरू ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पे डिनर में देबोनेज पिज्ज़ा का पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो चिकन टिक्का पिज्ज़ा एंड डबल स्पाइसी पिज्ज़ा विद पोटैटो वेजेस, तो ये पूरा कॉम्बो है 70 दिरहम्स का, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड साथ में मैंने लिया है अपने लिए पानी, एंड उमर भैया ने अपने लिए लिया है 7 अप, तो ये रहे आगे भैया सॉस लेकर के, चलो जी खाते हैं। तो अभी हो रहा है मुझे टाइम 11 PM, और यहाँ पे हो चुकी है हरी शॉप क्लोज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, बट स्टिल मेरे को अभी मेरी एक शॉप खुली हुई, तो वहाँ से अभी परचेज कर रहा हूँ मैं एप्पल वॉच SE, और साथ में दे रहा हूँ एयरपॉड्स प्रो जो कि मेरे को लेना है अपने फ्रेंड के लिए, मेरे को उन्होंने पैसे सेंड कर दिए हैं। एंड एक मैं दे रहा हूँ फोन जो कि कोई दाऊंगा मैं इंडिया पहुंच के, वो फोन किसके लिए दे रहा हूँ कोई खाता हूँ पहले, वो फोन है कौन सा, तो चलो दिखाता हूँ। तो ये हो चुकी है शॉपिंग डन, ये है M31, मेरे को बताओ अरे कमेंट क्या लगता है ये वाला फोन मैंने किसके लिए लिया है, एंड आई गॉट दिस एट अ वेरी गुड प्राइस ब्लू कलर में। सो ये है मेरे को पड़ा 800 दिरहम का, यानी कि 16,000 रुपये। ये एप्पल वॉच SE जो कि जस्ट अभी लॉन्च हुई है 44 mm ग्रे कलर ली है, तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने इसके पैसे सेंड कर दिए थे। ये हैं एयरपॉड्स प्रो, इसकी मेरे को कॉस्ट है 2250 दिरहम, यानी कि मेरे को पड़े हैं 45,000 रुपीज़ के, यू कैन सी इट। तो यहाँ पे जो रेट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गई थी भी सारी शॉप क्लोज, बट एक ही खुली थी ये, तो मैं यहाँ से लेने के लिए आ गया जल्दी जल्दी में, तो ये सारा अभी करता हूँ परचेज। मेरे को बताओ रिकमेंड क्या लगता है मैंने किसके लिए लिया है। तो अभी आ चुका हूँ वर्ल्ड के टॉलेस्ट होटल के अंदर में, जो कि है जोरा, एंड जस्ट लुक हियर, मैं आ चुका हूँ 74 शोरूम को भी जाना है, जो कि है टॉलेस्ट कैफे, आई थिंक अगर ये टॉलेस्ट होटल है तो वर्ल्ड के टॉलेस्ट कैफे भी हो गई कान बंद हो गया लिटरली। अभी मैं जा रहा हूँ सेलावी, जो कि 54th फ्लोर पे एड्रेस आई हुई होटल के अंदर। 2 hours later. तो अभी मैं आ रहा हूँ फिलहाल तो हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरे को जाना है कल वापस इंडिया की, मेरी फ्लाइट है, तो उसके लिए हमको चाहिए रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव, तो हमने कराया था टेस्ट लगभग 5-6 घंटे पहले, जो मेरी रिपोर्ट है वो आ चुकी है जो कि है नेगेटिव। जो पापा की रिपोर्ट अभी तक वो आई नहीं है, तो पापा भी बड़े हो चुके हैं स्ट्रेस कि रिपोर्ट पापा की अभी तक क्यों नहीं आई है। तो अभी मैं गया था हॉस्पिटल, वहाँ से अपनी मैंने कलेक्ट करी रिपोर्ट, उन्होंने बोला कि जो पापा की रिपोर्ट है वो आ जाएगी सुबह तक लगभग ही दे देते हैं आपके टेस्ट के लिए की रिपोर्ट 12 घंटे में। तो अभी चलते हैं होटल में, एंड मेरी तो आ चुकी रिपोर्ट नेगेटिव, बस अभी वेट हो रहा है पापा का। और उमर भी जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो कुछ अलग ही करेंगे, वो बहुत अलग है ना, हमने प्लान बनाया ना। वैसे मेरा बर्थडे आने वाला बहुत जल्द, मेरा बर्थडे आता 19th of November को, तो तब कुछ प्लान करेंगे, होपफुली मैं दुबई ही आऊँगा, ये स्पेशल बर्थडे होगा, या तो मैं दुबई जाऊँगा, मैं जाऊँगा थाईलैंड, लेट्स सी, बट मेरी फेवरेट सिटी दुबई ही है, तो बहुत ज़रा मज़ा तो आता है दुबई में आकर के हमेशा। बट अभी थोड़ी छोटे की टेंशन की पापा के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उसका हम वेट कर भी कर रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल। तो अभी सारा सामान यहाँ पे हो रहा है पैक, एंड मेरे को उमर भी अब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सारा सामान पैक करने में, तो
बहुत सारी शॉपिंग करी है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हैं इस बार, क्योंकि मेरे को माउस वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।